नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। नमस्कार, जय माता दी। बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप ज्योतिष दिशा सत्य की राह, आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। आज का दिन मां चंद्र घंटा का दिन, महीने का पहला दिन है और आज तीसरी देवी तीसरी शक्ति की पूजन आराधन का दिन है। मां चंद्र घंटा के विषय में बस इतना समझिए कि मां के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का एक घंटा विराजमान है। यही वजह है कि उन्हें चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। मां की 10 भुजाएं, 3 नेत्र, 8 हाथों में खड्ग बाण आदि अस्त्र शस्त्र होते हैं। 2 हाथों से मां आशीर्वाद देती है, भय से मुक्ति का आशीर्वाद। यह है मां चंद्र घंटा का विशेष योगदान। समस्त माताओं का एक ही भाव होता है कि वो अपने भक्तों को, अपने संतति को, अपने संतान को इस तरह से जाने, इस तरह से समझें कि उनकी संतति को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो। मां का ये प्रभाव दो राय नहीं कि आपके जीवन की ऊंचाई को समझने वाला होता है। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां, आप सदा सर्वदा मां चंद्रघंटा के रूप में हमारे जीवन से भय को, भय रूपी दोषों को दूर करें। ऐसी मां से प्रार्थना करिएगा, दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर। आप सबके जीवन काल में जितने भी प्रकार के भय हैं, चाहे राज पक्ष का भय हो, चाहे परिवार पक्ष का भय हो, या गुप्त शत्रु रूपी भय हो, समस्त भय का निर्मूल नाश मां के आराधना और उपासना से होता है। तो मां चंद्र घंटा आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रहे, यह आपके एस्ट्रो फ्रेंड की हार्दिक इच्छा सदैव रहेगी। मां से हम भी प्रार्थना करते कि हे मां, सर्वे भवतु सुखने का भाव दीजिएगा। आइए पंचांग की चर्चा करते हैं। आश्विन माह शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, आज मां चंद्र घंटा का दिन, चंद्रमा तुला राशि में, नक्षत्र स्वाति, योग वैधृति रहेगा। सुबह 8:30 तक, इसके बाद विषकंभ, तदनुसार दिनांक 1 अक्टूबर 2019 दिन मंगलवार। मंगलवार को राहुकाल का समय होता है। दोपहर 3 बजे से 4:30 तक राहुकाल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों का आरंभ न करिएगा। और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, जो चाहे कर सकते हैं, हर कार्य आपके बनते चले जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं मेष से लेकर के मीन तक आपका दिन कैसा बीतेगा और आज मां चंद्र घंटा को अर्पित क्या किया जाए, ये बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज रात में वो कौन सा समय है जब आप मां से कुछ मांग सकते हैं। मनोकामना पूर्ति मुहूर्त आज की रात का इंतजार करिएगा। आइए मेष से मीन तक आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेष राशि, दिनांक 1 अक्टूबर दिन मंगलवार। आज मेष वालों के लिए शिक्षा क्षेत्र में आई बाधाओं को दूर करने का दिवस रहेगा। प्रसन्नता हासिल होगी, मन आपका बिल्कुल प्रसन्न रहेगा, शुभता प्राप्त होगी, किए गए कार्य संपन्न होंगे। आज कार्यों की पूर्णता के संकेत है। व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से हर प्रकार के घाटे की भरपाई होगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज मुश्किलें आएंगी, बॉस के साथ कुछ बहस हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन के चांसेस हैं। दांपत्य जीवन आज थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा बहुत आज सावधान रहिएगा, कुछ सर्जरी आदि की संभावना बन रही है। लव लाइफ आज प्रभावित होगा।
आज लव लाइफ में कुछ विशेष दिक्कतें आ सकती हैं। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक दिन है। स्वास्थ्य के मामले में दवाओं का अगर समय से सेवन करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। आज मां चंद्रघंटा को क्या अर्पित करना है आपको? सोंठ और गुड़ मिक्स करके एक पीपल के पत्ते पर रख के मां को दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज? आज अपना वाहन उधार नहीं देना है। सफेद रंग शुभ है, 68% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ राशि, पढ़ाई हो नहीं पाएगी आज, शिक्षा क्षेत्र में कुछ बाधाएं आएंगी, मानसिक परेशानी रहेगी। बिजनेस अच्छा चलेगा, लाभ के अवसर बनेंगे, व्यापारी घाटे की भरपाई कर सकते हैं आज। पार्टनरशिप में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में लाभ के अवसर बनेंगे, कुछ विशेष उपलब्धियां मिलेंगी। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज का दिन परिस्थितियों को पक्ष में कर देगा। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए आज मुश्किलें हैं, और वो मुश्किल है नौकरी में आई अचानक से बाधा जो आएगी, उसके लिए आज आप परेशान होंगे। आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए दांपत्य जीवन में सकारात्मक प्रवाह का दिन है। आज दांपत्य जीवन, पति पत्नी का तालमेल, परिस्थिति अनुकूल रहेगा। वृषभ राशि, दांपत्य जीवन के बाद लव लाइफ देखा जाए तो शादी आज तय हो सकती है, और क्या चाहिए। अब थोड़ा सा झुकना, थोड़ा सा दबना आपके हाथ में। वृषभ राशि, स्वास्थ्य, आंख कुछ जुकाम बुखार परेशान करेगा, क्या उपाय करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतर करने का एक ही प्रयोग है। मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करें, काले तिल और पेड़े चरणों में रख दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज? आज वृषभ राशि वालों के लिए किसी को उधार नहीं देना है। बैंगनी रंग शुभ है, 50% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, अद्भुत दिन कहा जाएगा आज। पढ़ाई में खूब मन लगेगा, एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, रुके कार्य पूर्ण हो जाएंगे आज। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज कुछ घाटा होते होते रह जाएगा, ऑर्डर मिलेगा आज, धन बढ़ेगा। दोपहर के बाद कुछ परिस्थितियां गवर्नमेंट सेक्टर से कष्टदायक रहेंगी। मिथुन राशि, बेहद प्रसन्नतादायक समय है, ज्यादा मानसिक पीड़ा मत लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन के चांसेस है, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए रुके धन की प्राप्ति होगी, बॉस प्रसन्न रहेगा। आज दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा, कुछ उपहार का आदान प्रदान होगा। मिथुन राशि, क्या उपाय करना है बताएंगे, लेकिन पहले लव लाइफ जान लेते हैं। लव लाइफ की स्थिति में आज सुधार होगा, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य खत्म होगा, सकारात्मक संदेश जाएगा, मन प्रसन्न रहेगा। क्या प्रयोग करना है बताएंगे, पहले स्वास्थ्य जानते हैं। आज बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मानसिक उद्वेग आज रहेगा, नींद नहीं आएगी। प्रयोग के तौर पर आज का दिन मां चंद्रघंटा के निमित्त पीली चुनरी आज चढ़ा दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज? किसी के झगड़े में नहीं पड़ना है। भूरा कलर शुभ है आज, ब्राउन कलर 60% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि, आज का दिन पढ़ाई में कष्टप्रद परिस्थिति ला सकता है, शिक्षा क्षेत्र में प्रबल बाधाएं आएंगी, शिक्षा प्रभावित हो रही है, रुक सकती है। कर्क राशि, व्यापार अच्छा रहेगा,
व्यापारी घाटे की भरपाई होगी, व्यापार में कुछ बड़े समस्याएं आज दूर हो जाएंगी, पार्टनरशिप टिकी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए समस्याओं से दूर निकलने का आज एक अच्छा मौका मिलेगा, कोई दोस्त मदद करेगा। कर्क राशि 1 अक्टूबर, प्राइवेट सेक्टर, नौकरी बिल्कुल पकड़ के रखिएगा, आज कहीं इंटरव्यू देने मत जाइएगा। कर्क राशि, लाभ के नए अवसर मिल रहे हैं, यही आपके लिए एक संकेत है, उत्तम संकेत, बेहतरीन संकेत। कर्क राशि, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, रिश्ते में गर्माहट बनी रहेगी और विवाद से बाहर निकलेंगे। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, लाभ के अवसर बनेंगे और दवाओं का समय पर सेवन शुभ होगा। लव लाइफ भी ऐसे ही जैसे तैसे करके आज बिता लेंगे, दिन बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा लेकिन कुछ मामलों में ठीक ठाक है। माँ चंद्र घंटा की शरण में चलते हैं, आज माँ चंद्र घंटा को कुछ मौसमी जूस चढ़ाइए प्रसाद के स्वरूप में, बाद में सेवन करिए। क्या नहीं करना आज, बड़बोलापन नहीं दिखाना है, किसी पे बढ़ चढ़ के नहीं बताना है। लाल रंग शुभ है, 67% का भाग्य साथ देगा। सिंह राशि, शिक्षा क्षेत्र में आज लाभ के नए अवसर आज झंडे गाड़ सकते हैं आप, और पढ़ाई में खूब मन लगाएंगे, माता पिता का साथ रहेगा, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, नई जगह पर एडमिशन हो सकता है। सिंह राशि, कष्टों से बाहर निकलेंगे, आज के दिन को बेहतर करने की कोशिश आप जरूर करिएगा, व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापारी घाटे की भरपाई हो जाएगी, आज नई जगह पर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सिंह राशि, व्यापार हर प्रकार से हर लिहाज से आपके लिए सकारात्मक रहेगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए लाभ के नए अवसर हैं, आज नई नौकरी की संभावना बन रही है। सिंह राशि में आज प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू आज देने जाएंगे तो सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ कष्ट की स्थिति आ सकती है, बहुत बढ़िया समय नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए परेशानियां ज्यादा है। दाम्पत्य जीवन के मामले में देखा जाए तो ठीक ठीक है आज, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं, लेकिन लव लाइफ और शादी की बात फाइनली फाइनल होने जा रही है, बधाइयां। स्वास्थ्य के मामले में आज हर्ट की प्रॉब्लम रहेगी, गर्दन में भी कुछ समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना है मां चंद्र घंटा के निमित्त, आज साबुदाने का प्रसाद मां को अर्पित करिएगा। क्या नहीं करना है, इधर की उधर लगाना नहीं है। नीला रंग शुभ, 76% का भाग्य आपके साथ है। कन्या राशि, मानसिक कष्ट मिलेगा आज, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, शिक्षा रुक सकती है आज, व्यापार अच्छा चलेगा, रुके धन की प्राप्ति होगी, बॉस प्रसन्न रहेंगे, पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में प्रमोशन होगा। गवर्नमेंट सेक्टर, वाहन का सुख मिलेगा, जमीन जायदाद का लाभ मिलेगा, संतान के पक्ष से आज लाभ मिलेंगे। स्वास्थ्य, लाभ के अवसर बनेंगे जिसकी वजह से आ रही बाधा दूर होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में और दाम्पत्य जीवन में बैलेंस बना के रखिएगा, परिवार और नौकरी दोनों को। लव लाइफ थोड़ा प्रभावित हो रहा है आज कन्या राशि वालों के लिए, ब्रेकअप की संभावनाएं बन रही हैं, सतर्कता अनिवार्य है आज। स्वास्थ्य में आज जुखाम बुखार परेशान करेगा, कुछ गले में प्रॉब्लम होगी, बोलने में दिक्कत आ सकती है, खराश आ रही, क्या उपाय करना है आज। कन्या राशि वालों को आज बड़बोलेपन से बाहर निकलना है, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। कन्या राशि, प्रयोग आज के दिन का मां चंद्र घंटा के निमित्त मां को प्रणाम करके मां के मंत्रों का जाप करें और गुलाब जल एक कॉटन में लगा करके मां के चरणों में रख दीजिएगा,
आज ज्यादा नहीं बोलना है। लाल रंग शुभ, 56% का भाग्य आपके साथ है। तुला राशि, पढ़ाई अधूरी रह सकती है, शिक्षा क्षेत्र में अचानक कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आज विद्यालय से बच्चा रोता हुआ आएगा, आज किसी लड़की के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। तुला राशि की लड़कियों को सावधान रहना है जो विद्यार्थी हैं अभी। व्यापार हर प्रकार से शुभ होगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ के अवसर बनेंगे, व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर, लाभ के अवसर मिल रहे हैं, प्रमोशन के चांसेज हैं, दिक्कतों से बाहर निकलेंगे, रुके धन की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट सेक्टर, वाहन का सुख मिलेगा, माता पिता का साथ रहेगा, बॉस प्रसन्न रहेंगे। दुर्लभ योग आज बन रहा है गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए, कुछ विशेष लाभ के अवसर बनेंगे। पति पत्नी के बीच तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे का साथ बना रहेगा, आज बाधाओं से बाहर निकलेंगे, झगड़े से बाहर निकलेंगे। तुला राशि, यही आपके लिए सबसे बड़ा अवसर है। जुकाम आज फिर परेशान कर लिया है। तुला राशि वालों के लिए बहुत विचार करके आज लव लाइफ को प्रोसीड करना है, कहीं मिलने जुलने का कार्यक्रम कैंसिल कर दीजिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज आंखों की दिक्कत रहेगी, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आ सकती हैं जो आपको अचानक उलझाए। उपाय क्या करना है स्वास्थ्य में, देखिएगा, मां चंद्रघंटा के निमित्त आज के दिन कुछ मौसमी फल के जूस प्रसन्नता पूर्वक अर्पण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै नमः। क्या नहीं करना है आज का दिन, किसी को अपना वाहन उधार नहीं देना है। बादामी रंग शुभ है, 61% का भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति मजबूती होने की वजह से आज पढ़ाई अच्छी कर लेंगे आप, बाधाओं से बाहर निकलेंगे, शिक्षा क्षेत्र में लाभ के अवसर बनेंगे, बड़ी शिक्षा आज ग्रहण कर सकते हैं, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापार में आ रही बाधा दूर हो जाएगी, व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने आप को मजबूती के साथ आगे लेके जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में बाधाएं आ सकती हैं, नौकरी पर आंच आ रही है, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए शुभ अवसर की प्राप्ति होगी, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन सुचारू ढंग से चलता रहेगा, लव लाइफ भी एज वेल बिल्कुल ठीक ठाक है, कहीं से कोई बाधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एक दूसरे का साथ अच्छा रहेगा आज। वृश्चिक राशि, उपाय क्या करना है स्वास्थ्य जानिए, कुछ तो ऐसे ही रहेगा और थोड़ा बहुत लीवर और किडनी से संबंधित दिक्कत हो सकती है। मां के चरणों में आज कच्चा दूध और केसर अर्पित कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज, आज दूसरे के घर का भोजन नहीं करना है। हरा रंग शुभ है, 68% का भाग्य आपके साथ है। धनुराशि, कार्य क्षेत्र में मजबूती रहेगी, शिक्षा में खूब मन लगेगा, टीचर्स प्रसन्न रहेंगे, नई जगह एडमिशन होगा, व्यापार में थोड़ा सा बाधा आज आ रही है, व्यापार आज रुक सकता है, बड़े ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए लाभ के अवसर बनेंगे, नौकरी में प्रमोशन के चांसेज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में वाहन से चोट चपेट की संभावना बन रही है, बाहर के कहीं यात्रा वगैरह कैंसिल कर दीजिएगा, सरकारी मशीनरी आज आपके विरुद्ध रहेगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, पति पत्नी की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, आज किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा महसूस हो सकता है बुखार आदि, जुकाम कफ कोल्ड, लव लाइफ अच्छा है, डेट पे जा सकते हैं। उपाय क्या करना है मां चंद्रघंटा के लिए, लाल पुष्प अर्पित करें आज, सबसे अधिक पसंद है मां को। क्या नहीं करना है, ब्लैक कलर व्हाइट करना है। आसमानी रंग शुभ, 64% का भाग्य आपके साथ है। मकर राशि,
कष्ट भरा दिन है आज। किस मामले में? हेल्थ इश्यू रहेगा जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आज बिल्कुल हेल्थ इश्यू परेशान करेगा। मकर राशि, रुके कार्य बन जाएंगे, व्यापार अच्छा चलेगा, पढ़ाई प्रभावित है, बिजनेस अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर, रुके धन की प्राप्ति होगी, कुछ नया और बड़ा करने की चाहत पूरी होगी आज। मकर राशि, गवर्नमेंट सेक्टर, मकान और वाहन के सुख से आज परिपूर्ण रहेंगे, बॉस प्रसन्न रहेगा, मनचाहे स्थानांतरण के संकेत बन रहे हैं। आज मकर राशि वालों के लिए दांपत्य जीवन में आ रही बाधाओं से पार पाना बेहद आसान रहेगा, दांपत्य जीवन सुचारू ढंग से चलता रहेगा और यही आपके लिए एक संकेत ऐसा भी दे रहा है जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होने की वजह से ही आपके लिए सब कुछ सकारात्मक होता जाएगा, लव लाइफ में भी दवाओं का लाभ मिलेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। मकर वालों के लिए उपाय के तौर पर आज क्या विशेष करना है? मां को प्रणाम करें, केसर और पेड़ा खोए का चरणों को अर्पित करें। क्या नहीं करना मकर वालों को? किसी भी सूरत में मकर राशि वाले आज उधार पैसा देने से बचे, नहीं देना है। बैंगनी रंग शुभ है, 59% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, खूब मन लगाकर पढ़ेंगे, पढ़ाई में लाभ के अवसर बन रहे हैं, बाहर जाकर के एडमिशन हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर और व्यापार बिजनेस में तो आज अच्छा निवेश मिलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से हर घाटे की भरपाई होगी, व्यापार में कुछ विशेष उपलब्धियां मिलने जा रही हैं, लाभ के अवसर बनेंगे। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ कल्पनाओं से परे विशेष लाभ के अवसर बन रहे हैं। ये आपके लिए एक संकेत अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत लाभदायक नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ समस्याएं गंभीर हो रही हैं और किसी तरह की जांच में उलझ सकते हैं। सरकारी मशीनरी में कुछ विशेष परेशानियां आ सकती हैं। आज दांपत्य जीवन आपके लिए समर्पित रहेगा, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा बैठेगा, ससुराल से रिश्ता मधुर होगा, लेकिन लव लाइफ में प्रभाव पड़ रहा है, बहुत सोच विचार करके निर्णय लेना होगा, लव लाइफ आपके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। सोच समझ करके फैसला लीजिएगा लव लाइफ में, देखिए क्या होने जा रहा है, मतलब शादी वगैरह की चर्चा आज मत करिएगा। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। उपाय क्या करना है? माँ चंद्रघंटा को आज पीला पुष्प अर्पित करिएगा। क्या नहीं करना माँ के लिए? आज किसी से झूठ नहीं बोलना है। पीला रंग शुभ है, 63% का भाग्य आपके साथ है। अंतिम राशि मीन, कोई मित्र मदद करके आज शिक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करवा सकता है, कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे भी सफलता मिलेगी, उपलब्धियां आपके साथ जुड़ी रहेंगी, लाभ के अवसर बनेंगे। मीन राशि, दिनांक 1 अक्टूबर, दिन मंगलवार, व्यापार में कुछ विशेष घाटा हो सकता है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आज परेशान रहेंगे, व्यापार बहुत अच्छा नहीं चलेगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा आज, प्रमोशन के चांसेस हैं, वाहन का सुख मिल रहा है, शादी की बात फाइनल हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन नहीं हो पाएगा आज, पैर भी उल्टा पड़ सकता है।
किसी तरह की जांच वगैरह में भी उलझ सकते हैं। आज मीन राशि वाले सावधान रहें। दांपत्य जीवन शुभ रहेगा, दांपत्य जीवन में हर प्रकार से लाभ के अवसर बनेंगे। दांपत्य जीवन को संभालने की भी आज कोशिश करिएगा, शुभ तो है ही है। लव लाइफ बिल्कुल ठीक है, लव लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आज शादी आदि की चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य आज को जुकाम बुखार भी आपको उलझाएगा, खासतौर पे जो मीन राशि के बच्चे हैं उनको आज सतर्क रहना है। उपाय क्या करना है, आइए मां के दरबार में एक सादे कागज पे ओम चंद्र घंटाए नमः 3 बार लिख करके मां के चरणों में रख दीजिएगा। क्या नहीं करना है, अपने इरादे कहीं बताना नहीं है। आसमानी रंग की शुभता है, 62% का भाग्य आपके साथ है। सक्सेस की और भाग्याक्षर थोड़ा सा इंतजार करिए। पहले जानकारी दे देते हैं कि आप दिनांक 10 तारीख तक गाजियाबाद में मिल सकते हैं और उसके बाद पुणे और मुंबई दो शहर इंतजार कर रहे हैं। आइए सक्सेस की तरफ देखते हैं। हरी मिर्च लेकर 3 बार सल से उल्टा वार कर कहीं रख दीजिएगा। भाग्याक्षर मेष, चाक्षर वृषभ धा, मिथुन थाक्षर कर्क आ, सिंह काक्षर कन्या खा, तुला झाक्षर वृश्चिक या, धनु साक्षर मकर छोटी ई, कुंभ हाक्षर मीन ला। यह आपका अपना शुभ भाग्याक्षर है, सादे कागज पर लाल रंग के इंक से लिख के अपने पास रख लेना है। चलते चलते आज का सर्व मनोकामना पूर्ति समय, आज का वक्त होगा रात 11:28 से 11:51 तक। नोट कर लीजिए, 11:28 से 11:51 रात में क्या मांगना है, कैसे मांगना है, क्या मांगना है, ये आपकी समस्या है, आपका हेडक है। आप देखिए क्या मांग सकते हैं मां से, कैसे मांगना, वो विधि हम बताते हैं। लाल धागे में 3 गांठ 21 जगह लगाकर ऐसे पकड़ लीजिए उस गांठ को और एक पांव पर खड़े होकर के मांग लीजिए। धागे को मां के चरणों में रख दीजिएगा। बस थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें जुखाम में झेला आपने, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, कृतज्ञता है, प्रणाम करते हैं आप सबको। हंसते रहिएगा और गाजियाबाद मिल लीजिए 10 तारीख तक यही है। इसके बाद मुंबई पुणे का अपॉइंटमेंट चल रहा है, नाम और मुंबई अपॉइंटमेंट लिखकर किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, श्री राधे।